नमस्कार। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ स्थानों पर किसानों को खेतों में कुछ काम का समय होता है तो भी जब गाड़ी उनके यहाँ पहुंचती है तो वो अपना खेती का काम भी 4-6 घंटे छोड़ करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से गांव गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि भाई गांव में दो लोगों को मिल गया तो हो सकता है कि उनकी कोई पहचान होगी, उनको कोई रिश्वत देनी पड़ी होगी या उनका कोई रिश्तेदार होगा। तो मैं ये गाड़ी लेकर के गांव गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। योजनाएं जो आपकी भलाई के लिए हम चला रहे हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये पूरे देश में इतनी बड़ी मेहनत का काम हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, बीते दिनों जब जब मुझे इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला है तो मैंने एक बात अवश्य नोट की है। जिस प्रकार देश के गरीब, हमारे किसान भाई बहन, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखते हैं, उनको जब मैं सुनता हूं ना, मैं खुद विश्वास से भर जाता हूं। उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है वाह, मेरे देश में कैसी ताकत है, कहां कहां ताकत है, ये लोग हैं जो मेरा देश बनाने वाले हैं। ये अद्भुत अनुभव है। देश भर में हर लाभार्थी के पास बीते 10 वर्षों में उनके जीवन में आए बदलाव की एक साहस से भरी हुई और संतोष से भरी हुई और साथ साथ सपनों से भरी हुई गाथा है। और खुशी ये कि वो अपनी इस यात्रा को देश के साथ साझा करने की भी बहुत उत्सुक भी है। यही मैंने अब से कुछ देर पहले जो बातचीत करने का मुझे मौका मिला, मैं अनुभव कर रहा था,
आपको इतना सारा कहना है, आपके पास इतने अच्छे अनुभव हैं, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मेरे परिवारजनों, आज देश के कोटि कोटि लाभार्थी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है। वे इस बात तक सीमित नहीं रहते कि चलो पक्का घर मिल गया, बिजली पानी गैस इलाज पढ़ाई अब तो सब मिल गया, अब कुछ करना ही नहीं है। वे इस मदद को पाने के बाद रुकते नहीं है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। वो इसमें से एक नई ताकत प्राप्त कर, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक परिश्रम करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मोदी की गारंटी के पीछे जो सच्चे अर्थ में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था ना, वो यही था। और वो उसे पूरा जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं ना, तो इतना आनंद होता है, इतना संतोष होता है, जीवन भर की सारी थकान उतर जाती है। और यही भावना विकसित भारत की ऊर्जा भी बन रही है। साथियों, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। मैंने पूछा भाई ये कैसे आ गए, तो बोले परिवार बड़ा हो गया, बेटा अलग रहने गया, तो नया घर बन गया, नया परिवार है तो अब उसको चूल्हा चाहिए। चलो मैंने कहा ये तो अच्छी निशानी है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है, लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है, 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है, 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच हुई है, और आजकल तो आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ आभा ABHA आभा कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। लोगों का आधार कार्ड का पता है, आभा कार्ड का थोड़ा अभी कम पता है। ये आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अनेक फायदे हैं। इससे मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाओं की पर्चियां, ब्लड ग्रुप की जानकारी, डॉक्टर कौन है उसकी जानकारी, ये सब एक साथ रिकॉर्ड में आ रहेगा। इससे अगर सालों बाद भी आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े और वो पुराना पूछे कि भाई पहले क्या हुआ था, कौन सी दवाई ली थी, तो सारा इसमें मिल जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री खोजने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कब बीमार हुए थे, किस डॉक्टर को दिखाया था, क्या टेस्ट हुए थे, कौन सी दवाई खाई थी, ये सब कुछ डॉक्टर आसानी से जान पाएंगे। ये आरोग्य को लेकर पूरे देश में नई जागरूकता का संचार करेगा। साथियों, आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से अनेक साथियों को लाभ मिल रहा है। इनमें से अनेक साथी ऐसे होंगे जिन्हें शायद ही कभी ये पता चल पाता कि वो भी सरकारी योजना के हकदार हैं। उनको तो पुरानी आदतों के कारण यही सोचते होंगे भाई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, पहचान वाला नहीं, तो हमारा तो क्या होगा। अरे मोदी ही तो आपके परिवार का है, किसी और की पहचान की जरूरत नहीं है, आप ही मेरे परिवार के हैं।
दस साल पहले की स्थिति होती तो शायद ऐसे साथी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते हिम्मत हार जाते। मैं ग्राम पंचायत और दूसरे स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों कर्मचारियों से कहूंगा कि आप सभी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपको अपने गांव, वार्ड, नगर, मोहल्ले में पूरी ईमानदारी से हर जरूरतमंद की पहचान करनी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक अधिक से अधिक साथी पहुंचे और मौके पर ही योजनाओं से जुड़े ये उनका जुड़ना हो जाए, उसका लाभ उनका सुनिश्चित आए, इसकी कोशिश करनी है। जैसे बीते चार वर्षों में 11 करोड़ से अधिक नए ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचा है, पानी का नल आ गया है, अब बस हो गया। इतने तक हमें सीमित नहीं रहना है, अब पानी के बेहतर प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, ऐसे विषयों पर भी हमें बल देना है। इसकी जिम्मेदारी भी मैं इसमें सफलता देख रहा हूं गांव वासियों के समर्थन से। और मैंने देखा है जब गांव वासी ऐसे कामों को अपने कंधे पर ले लेते हैं ना, तो फिर सरकार को कुछ देखना ही नहीं पड़ता है और काम अच्छे से अच्छे चलता है। और इसीलिए गांवों में पानी समितियों का तेजी से गठन हो, इसके बारे में भी आप सबको जागरूक होकर के काम करना चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गांव में महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा अखबार में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों महिलाएं आगे आ रही है। और जैसा मैंने कहा ना, मेरा लक्ष्य है 2 करोड़ नई महिलाओं को मुझे लखपति बनाना है। और ये मुहिम मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ मिलकर के मैं करना चाहता हूं। इस मुहिम को और विस्तार देने के लिए आप जितने आगे आएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, 2 करोड़ लखपति दीदी लक्ष्य का लक्ष्य हम आसानी से पार कर लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस मुहिम को और ज्यादा तेजी मिल रही है। साथियों, सरकार का जोर कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों, बेटियों, दीदियों को और सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा नया अभियान चलाया है। और ये मोदी की गाड़ी के साथ वो भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है, और वो क्या है, नमो ड्रोन दीदी। कुछ लोग इसको नमो दीदी भी कहते हैं। ये नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को पहले राउंड में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं के हाथ में ड्रोन होगा ना,
अब ट्रैक्टर को कोई पूछने वाला नहीं है। नमो ड्रोन दीदियां का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है। इस अभियान के कारण स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ेगी, गांव की बहनों में एक नया आत्मविश्वास आएगा और ये हमारे किसानों की भी मदद करेगा, खेती को आधुनिक बनाएगा, खेती को वैज्ञानिक बनाएगा और जो वेस्टेज होता है वो तो जाएगा ही जाएगा, बचत भी होगी। मेरे परिवारजनों, छोटे किसानों को संगठित करने के लिए भी आजकल पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे अधिकतर किसानों के पास बहुत कम जमीन है। 80-85% किसान हमारे ऐसे हैं जिनके पास 1-2 एकड़ ही भूमि है। ऐसे में जब अधिक से अधिक किसान एक समूह में जुटेंगे तो उनकी ताकत भी बढ़ेगी। इसलिए किसान उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं। गांवों में पीएससी और दूसरे सहकारी उपक्रमों को सशक्त किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सहकारिता भारत के ग्रामीण जीवन का एक सशक्त पहलू बनकर सामने आए। अभी तक दूध और गन्ने के क्षेत्र में सहकारिता का लाभ हमने देखा है, अब इसे खेती के दूसरे क्षेत्रों और मछली उत्पादन जैसे सेक्टर्स में भी विस्तार दिया जा रहा है। आने वाले समय में 2 लाख गांवों में नए पीएससीएस बनाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां डेयरी से जुड़े कोऑपरेटिव नहीं है वहां इनका विस्तार किया जाएगा, ताकि हमारे पशुपालकों को दूध के बेहतर दाम मिल सके। साथियों, हमारे गांवों में एक और समस्या भंडारण की सुविधाओं के अभाव की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को आनन फानन में ही अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके कारण कई बार उन्हें उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस मजबूरी से छोटे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में भंडारण की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी तैयार की जा रही, लाखों भंडारण बनाने हैं, लाखों। इसकी जिम्मेदारी भी पीएसीएस जैसे किसानों के सहकारी संस्थानों को दी जा रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म उद्योगों को मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आप सभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान से भी परिचित होंगे। इसका लक्ष्य ये है कि हर जिले में कम से कम एक मशहूर उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करें। ये हर जिले को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मेरे परिवारजनों, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक और बात का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल का संदेश ये गांव गांव गली गली गूंजते रहना चाहिए। अभी हमने हमारी कोटा की एक बहन से सुना, फिर देवास में रूबिका जी से सुना, ये भी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। भारत के किसानों, भारत के युवाओं का श्रम जिसमें हो, भारत की मिट्टी की महक जिसमें हो, ऐसे सामान को खरीदें,
उसका प्रचार प्रसार करें। घर में खिलौना भी देश में बना हुआ होना चाहिए, बच्चों को पहले से ही भारत में बना ही खिलौना होना चाहिए। हमारे खाने के टेबल पर सब भारत के बनाई हुई चीजें खाने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा सा पैकिंग करके दही आ गया तो ऐसे ही पागल होने की जरूरत नहीं है। मुझे बताया गया है कि जहां जहां यात्रा जा रही है, ये विकास यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, वहां स्थानीय उत्पादों के स्टॉल, दुकानें और उससे जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। वहां स्वयं सहायता समूहों के बनाए उत्पादों को भी दिखाया जा रहा है। उनको जैम पोर्टल पर कैसे रजिस्टर किया जा सकता है, इसको लेकर भी सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से ही और हर गांव में, हर परिवार में कुछ न कुछ प्रयास होता रहे, हर कोई जुड़ता रहे, तो विकसित भारत का विराट संकल्प यह देश सिद्ध करके रहेगा। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यूं ही निरंतर चलती रहेगी और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचेगी। आप भी इस यात्रा को जितना ज्यादा सफलता मिले, जितने ज्यादा लोग उससे जुड़े, जितने ज्यादा लोग जानकारी प्राप्त कर सके, जितने लोग इसके हकदार हैं लेकिन मिला नहीं है उनको मिले, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और मेरी इच्छा ऐसी है जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए, और इसलिए इतनी मेहनत हो रही है। आप इसका फायदा उठाइए। आपने जो भरोसा रखा है, जो विश्वास जताया है, लगातार समर्थन किया हुआ है, और इसके कारण मेरे मन में भी हमेशा आपके लिए हर बार कुछ न कुछ नया करने का उत्साह रहता है, उमंग रहता है। मैं भी कभी भी काम करने में पीछे नहीं हटूंगा, उसकी गारंटी देता हूं। आपकी भलाई के लिए जो कुछ भी करना होगा मेरी गारंटी है। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।